हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज तृप्ति। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। तो यहाँ पे मैं आज एक प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ इस वीडियो में, और वो प्रोडक्ट न्यू लॉन्च है फ्रॉम लैक्मे। और इस प्रोडक्ट को मैं अपने फेस के दोनों साइड पे लगाऊंगी। एप्लीकेशन दोनों का अलग होगा, एक का मैं ब्रश से लगाऊंगी और एक का मैं ब्यूटी ब्लेंडर से लगाऊंगी, ताकि आप फिनिश देख सको और मैं उसका ओवरऑल रिव्यू भी आपसे शेयर करूंगी। वन मोर थिंग गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। रेड कलर का आइकन होगा, उसको आप हिट करोगे तो सब्सक्राइब कर दोगे, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आप नहीं करोगे तो फिर आपको मेरी आने वाली नई वीडियोज के बारे में कैसे पता चलेगा। सो बेल आइकन को भी हिट करना है आपको। सो यहाँ पे मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ वो है ये लैक्मे के सीरम फाउंडेशंस। ये फाउंडेशन तो मेरे पास सारे ही शेड्स हैं, तो यहाँ पे हम कुछ फाउंडेशन शेड्स जो मेरे स्किन टोन के आसपास है वो हम मैच करके देखेंगे कि कौन सा परफेक्टली मेरे स्किन टोन के ऊपर जा रहा है। फिर उसी शेड को मैं अपने फेस पे अप्लाई करके दिखाऊंगी, और मैं ये वीडियो पूरा मतलब ओवरऑल रिव्यू शेयर करूंगी कि भाई पूरा दिन मैं फाउंडेशन रखने वाली हूँ। अभी सुबह के 10 बजे है तो मैं अभी ये वीडियो शूट कर रही हूँ, और मैं फिर आपको रात को दिखाऊंगी कि एक्चुअल में कैसा दिख रहा है, कुछ क्रैकीनेस है या कुछ भी प्रॉब्लम है या नहीं, वो भी मैं आपसे प्रॉपर इसका रिव्यू शेयर करूंगी। तो आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा तो ही आपको पता चलेगा इसका प्रॉपर रिव्यू। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं कुछ फाउंडेशंस को लगाने का, और चेक करते हैं कौन सा मेरे शेड का है। पहले इस प्रोडक्ट के पैकेजिंग की मैं अगर बात करूं तो आप देख सकते हो ये बहुत ही स्लीक सी पैकेजिंग में आता है, और ये पूरा मतलब ब्लैक कलर की पैकेजिंग में है। जैसे मतलब लैक्मे के ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स ब्लैक कलर की पैकेजिंग में आता है। सो यहाँ पे आपको लिखा हुआ रहेगा लैक्मे एब्सोल्यूट स्किन सीरम फाउंडेशन, और आपको यहाँ पे इसका शेड नेम दिया रहेगा जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कौन से शेड का फाउंडेशन है। और यहाँ पे सारी डिटेल्स रहेगी, जैसे इसका MRP है ₹875, बट नायका पे आपको कुछ ना कुछ ऑफर चलता रहता है तो आपको इन डिस्काउंट आराम से मिल जाएगा। फिर यहाँ पे दिया हुआ रहेगा कि आपका प्रोडक्ट कितने टाइम तक चलेगा, मतलब एक्सपायरी डेट दी हुई है। ये फाउंडेशन एक स्किन ड्यू सीरम फाउंडेशन है, तो ये स्पेशली फाउंडेशन ड्राई स्किन वालों के लिए बेस्ट रहेगा, और अगर आप ऑयली स्किन वाले हो तो आपको अच्छे से फाउंडेशन को सेट करना होगा, ताकि ये फाउंडेशन आपके फेस पे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस ना कर सके। सो इसीलिए ये फाउंडेशन स्पेशली ड्राई स्किन वालों के लिए है। सो अभी जब इसको खोल देते हैं तो यहाँ पे आपको एक पंप वाली पैकेजिंग मिलेगी इसकी। आप देख सकते हो ये पंप की पैकेजिंग है, और ये स्पेशली ये जो पंप पैकेजिंग वाले फाउंडेशन आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, काफ़ी कन्वीनियंट होते हैं यूज़ करने के लिए, कुछ भी मैस क्रिएट नहीं करते हैं आजू बाजू, तो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मुझे ये पंप वाले पैकेजिंग अच्छे लगते हैं, तो ये बहुत अच्छी पैकेजिंग मुझे इसकी लगी। यहाँ पे जो मैंने शेड लिया है N260 न्यूट्रल हनी, पहले हम ये शेड ट्राई करके देखते हैं। सो नेक्स्ट शेड जो मैं ट्राई करी वो है C100 कूल आइवरी। ये थोड़ा ज्यादा लाइट है मेरे शेड के हिसाब से। नेक्स्ट शेड जो मैं ट्राई करी वो है N220 न्यूट्रल मीडियम। सो यहाँ पे जो नेक्स्ट शेड मैं ट्राई करी वो है W240 वार्म बेज। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 5 शेड्स लगाए हैं, तो आपके हिसाब से कौन सा शेड मेरे स्किन टोन पे जाएगा। तो मुझे लगता है ये वाला बहुत नियर बाई है मेरे स्किन टोन के हिसाब से, और ये शेड है न्यूट्रल मीडियम, तो मैं ये वाला शेड ही अपने फेस पे लगाऊंगी। सो यहाँ पे मैं फाउंडेशन लगाने से पहले प्राइमर लगा दूंगी, और मैं यहाँ पे लगा रही हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट का प्राइमर। ये ब्लर प्राइमर है, ये मेरा करंट फेवरेट प्राइमर है। प्राइमर लग गया है, अभी हम बढ़ेंगे फाउंडेशन की तरफ। यहाँ पे फाउंडेशन में दिया हुआ है कि हमें यूज़ करने से पहले अच्छे से इसको शेक करना है, ताकि हमें फाउंडेशन की जो कंसिस्टेंसी है बहुत अच्छे से मिले, वरना हमें बहुत थिक थिक मिलेगा, या फिर हमें बहुत ज़्यादा वाटरी रनी वाला कंसिस्टेंसी मिलेगा। इसीलिए हम थोड़ा इसको शेक कर देंगे अच्छे से, फिर हम इसको
अपने बैकअप तो हैंड में ले लूंगी। सो अभी मैं इसको पहले थोड़ा सा ऐसे वार्मनेस, मतलब यहाँ पे मैं हाफ साइड ऑफ द फेस पे मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। तो ये मैंने पैक का ब्यूटी ब्लेंडर लिया है। ब्लेंड तो बहुत इजीली हो रहा है ये, और इसकी कवरेज भी अच्छी। ताकि मुझे इसकी है ना प्रॉपर कवरेज दिखे। सो आप देख सकते हो इसने मुझे अच्छा खासा कवरेज दिया, मतलब फुल कवरेज फाउंडेशन है ये गाइस। और मैंने अंडर आई पे भी लगाया, आप देख सकते हो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया है। सो ब्यूटी ब्लेंडर से तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड हो गया है। सो लेट्स सी अभी ये ब्रश से कैसे वर्क करता है। सो अभी बारी है ब्रश की, और मैं ब्रश पे प्रोडक्ट ले रही हूँ और इसे अप्लाई करूँगी। ऑलमोस्ट सेम है। ये वाला मैंने जो पोर्शन ब्लेंड किया है ब्यूटी ब्लेंडर से किया है, और ये वाला जो पोर्शन मैंने ब्लेंड किया है वो ब्रश से किया है। सो आप चेक कर सकते हो दोनों की फिनिश, और यहाँ पे मुझे दोनों की फिनिश एकदम सिमिलर ही लगी है। बस मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा जो ब्रश वाला पार्ट है ना, मतलब ब्रश वाला साइड है, वो थोड़ा और ज़्यादा कवरेज दे रहा है, तो यहाँ का मुझे थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगा। देख सकते हो ये वाला फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा फुल कवरेज है, मतलब लिटरली अंडर आई एरिया को भी इतना अच्छे से हाइड कर लिया, मतलब इतना अच्छा कवरेज मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट गाइज ये फुल कवरेज फाउंडेशन है, अगर आप फुल कवरेज फाउंडेशन ढूंढ रहे हो तो आपको डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सो अभी मैं जाती हूँ और अपने पूरे फेस का जो मेकअप है वो करके मैं वापस आती हूँ, और मैं आपसे शेयर करती हूँ इसका ओवरऑल रिव्यू। सो गाइज मैंने अपना पूरा लुक क्रिएट कर लिया है, और आप देख सकते हो फाउंडेशन की लेयर बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रही है। सो ये वाला जो मैं वीडियो क्लिप आपसे शेयर कर रही हूँ, इसको लगा के मुझे 6 आवर्स हो गए हैं, और फाउंडेशन अभी तक ऑन पॉइंट है, कहीं से भी कुछ भी नहीं हटा है, और अभी भी इतना ही फ्लॉलेस दिख रहा है। तो गाइज अगर आप ये फाउंडेशन लेने का सोच रहे हैं तो फटाफट से ले लीजिए, क्योंकि ये फाउंडेशन वर्थ बाइंग है, और इसका MRP अभी 875 है, बट आपको नायका पे ऑफर में मिल ही जाएगा, मतलब नायका पे कुछ ना कुछ सेल चलता रहता है तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। सो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में से अगर किसी को भी ये फाउंडेशन लेना है तो आप मेरी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनके लिए भी ईजी हो जाए कि फाउंडेशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, अंटिल एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, बाय।